17 मिनट में एक बेटी के साथ अत्याचार, हर 17 मिनट में। मध्य प्रदेश में रोज सुबह अखबार खुलता है और आता है कि नवजात बेटी के साथ बलात्कार हुआ। अभियान बनाना पड़ा, इस सरकार की अकर्मण्यता। आस नहीं बची मोहन यादव जी से, उनके मंत्रालय से, उनकी पुलिस से। 17, 18, 19, 20 बलात्कार रोज। 17 मिनट में एक बेटी के साथ अत्याचार, हर 17 मिनट में। मध्य प्रदेश में रोज सुबह अखबार खुलता है और आता है कि नवजात बेटी के साथ बलात्कार हुआ। कभी टीचर ने कर दिया, कभी पड़ोसी ने कर लिया, कभी घर के किसी व्यक्ति का नाम आता है। अलग अलग तरीके से रोज यातनाएं आती हैं। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम नहीं है, अभियान है, बेटी बचाओ अभियान। हमने सारे जनप्रतिनिधियों को जब ज्ञापन दिया तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को भी दिया कि इस अभियान को बेटियों की सुरक्षा के लिए इस देश के हर नागरिक का दायित्व है। हम एक जिम्मेवार विपक्ष है, हमारा भी दायित्व है। तो इस नाते सरकार से आग्रह हमने कई बार किया, चिट्ठी लिख के किया, एजिटेशन करके किया, आंदोलन करके किया, पर इतनी मोटी चमड़ी की सरकार है, इतना भारी बहुमत दे दिया जनता ने, तो उन्होंने इस एहसास को जीना छोड़ ही दिया कि जनता की भी रक्षा करना है, बेटियों की भी रक्षा करना है। मोहन यादव का निकम्मापन, उनकी सरकार का निकम्मापन, गृह मंत्रालय का निकम्मापन ने मध्य प्रदेश को महिला सुरक्षा में एकदम जमीन में गाड़ दिया।